न्यायियों की पुस्तक अध्याय सात, न्यायियों की पुस्तक अध्याय सात। तब गिदोन जो यरूब्बाल भी कहलाता है और सब लोग जो उसके संग थे सवेरे उठे और हरोद नाम सोते के पास अपने डेरे खड़े किए और मिद्यानियों की छावनी उनकी उत्तरी ओर मोरे नाम पहाड़ी के पास तराई में पड़ी थी। तब यहोवा ने गिदोन से कहा, जो लोग तेरे संग है वे इतने हैं कि मिद्यानियों को उनके हाथ नहीं कर सकता, नहीं तो इस्राएल यह कहकर मेरे विरुद्ध अपनी बढ़ाई मारने लगे कि हम अपने ही भुजबल के द्वारा बचे हैं। इसलिए तू जाकर लोगों में यह प्रचार करके सुना दे कि जो कोई डर के मारे थरथराता हो वह गिलाद पहाड़ से लौटकर चला जाए। तब 22,000 लोग लौट गए और केवल 10,000 रह गए। फिर यहोवा ने गिदोन से कहा, अब भी लोग बहुत हैं, उन्हें सोते के पास नीचे ले चल, वहां मैं उन्हें तेरे लिए परखूंगा और जिस जिस के विषय में मैं तुझसे कहूं कि यह तेरे संग चले वह तो तेरे संग चले और जिस जिस के विषय में मैं कहूं कि यह तेरे संग न जाए वह न जाए। तब वह उनको सोते के पास नीचे ले गया। वहां यहोवा ने गिदोन से कहा, जितने कुत्ते की नाई जीभ से पानी चपड़ चपड़ करके पिए उनको अलग रख और वैसा ही उन्हें भी जो घुटने टेक कर पिए, जिन्होंने मुंह में हाथ लगाकर चपड़ चपड़ करके पानी पिया उनकी तो गिनती 300 ठहरी और बाकी सब लोगों ने घुटने टेक कर पानी पिया। तब यहोवा ने गिदोन से कहा, इन 300 चपड़ चपड़ करके पीने वालों के द्वारा मैं तुमको छुड़ाऊंगा और मिद्यानियों को तेरे हाथ में कर दूंगा और सब लोग अपने अपने स्थान को लौट जाए। तब उन लोगों ने हाथ में सीधा और अपने अपने नरसिंगे लिए और उसने इस्राएल के सब पुरुषों को अपने अपने डेरे की ओर भेज दिया, परंतु उन 300 पुरुषों को अपने पास रख छोड़ा और मिद्यान की छावनी उसके नीचे तराई में पड़ी थी। उसी रात को यहोवा ने उससे कहा, उठ छावनी पर चढ़ाई कर क्योंकि मैं उसे तेरे हाथ कर देता हूं, परंतु यदि तू चढ़ाई करते डरता हो तो अपने सेवक फुरा को संग लेकर छावनी के पास जाकर सुन कि वे क्या कह रहे हैं, उसके बाद तुझे उस छावनी पर चढ़ाई करने का हियाव होगा। तब वह अपने सेवक फुरा को संग लेकर उन हथियारबंदों के पास जो छावनी की छोर पर थे उतर गया। मिद्यानी और अमालेकी और सब पूर्वी लोग तो टिड्डियों के समान बहुत से तराई में फैले पड़े थे और उनके ऊंट समुद्र तीर के बालू के किनकों के समान गिनती से बाहर थे। जब गिदोन वहां आया तब एक जन अपने किसी संगी से अपना स्वप्न यो कह रहा था कि सुन, मैंने स्वप्न में क्या देखा है कि जौ की एक रोटी लुढ़कते लुढ़कते मिद्यान की छावनी में आ गई और डेरे को ऐसा टक्कर मारा कि वह गिर गया और उसको ऐसा उलट दिया कि डेरा गिरा पड़ा रहा। उसके संगी ने उत्तर दिया, यह योआश के पुत्र गिदोन नाम एक इस्राएली पुरुष की तलवार को छोड़ कुछ नहीं है, उसी के हाथ में परमेश्वर ने मिद्यान को सारी छावनी समेत कर दिया है। उस स्वप्न का वर्णन और फल सुनकर गिदोन ने दंडवत की और इस्राएल की छावनी में लौटकर कहा, उठो यहोवा ने मिद्यान की सेना को तुम्हारे वश में कर दिया है। तब उसने उन 300 पुरुषों के 3 झुंड किए और एक एक पुरुष के हाथ में एक नरसिंगा और खाली घड़ा दिया और घड़ों के भीतर एक मशाल थी। फिर उसने उनसे कहा, मुझे देखो और वैसा ही करो। सुनो, जब मैं उस छावनी की छोर पर पहुंचू तब जैसा मैं करूं वैसा ही तुम भी करना, अर्थात जब मैं और मेरे संगी नरसिंगा फूंके तब तुम भी छावनी की चारों ओर नरसिंगे फूंकना और ललकारना कि यहोवा की ओर गिदोन की तलवार। बीच वाले पहरे के आदि में जो ही पहरों की बदली हो गई थी त्यों ही
गिदोन अपने संघ के 100 पुरुषों समेत छावनी की छोर पर गया और नरसिंह को फूंक दिया और अपने हाथों के घड़ों को तोड़ डाला। तब तीनों झुंडों ने नरसिंह को फूंका और घड़ों को तोड़ डाला और अपने अपने बाएं हाथ में मशाल और दाहिने हाथ में फूंकने को नरसिंगा लिए हुए चिल्ला उठे, यहोवा की तलवार और गिदोन की तलवार। तब वे छावनी के चारों ओर अपने अपने स्थान पर खड़े रहे और सब सेना के लोग दौड़ने लगे और उन्होंने चिल्ला चिल्ला कर उन्हें भगा दिया और उन्होंने 300 नरसिंगों को फूंका और यहोवा ने एक एक पुरुष की तलवार उसके संगी पर और सब सेना पर चलवाए। तो सेना के लोग ससेरा की ओर बेतशित्ता तक और तब्बात के पास के आबेल महोला तक भाग गए। तब इस्राएली पुरुष नप्ताली और आशेर और मनुष्य के सारे देश में इकट्ठे होकर मिद्यानियों के पीछे पड़े और गिदोन ने एप्रेम के सब पहाड़ी देश में यह कहने को दूत भेज दिए कि मिद्यानियों से मुठभेड़ करने को चले आओ और यर्दन नदी के घाटों को बेतबारा तक उससे पहले अपने वश में कर लो। तब सब एप्रेमी पुरुषों ने इकट्ठे होकर यर्दन नदी को बेतबारा तक अपने वश में कर लिया और उन्होंने ओरेब और जेब नाम मिद्यान के दो हाकिमों को पकड़ा और ओरेब को ओरेब नाम चट्टान पर और जेब को जेब नाम दाखरस के कुंड पर घात किया और वे मिद्यानियों के पीछे पड़े और ओरेब और जेब के सिर यर्दन के पार गिदोन के पास ले गए।